हेलो दोस्तों, नमस्कार। अरे आरसी दुबे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरसी दुबे पत्रकार वजीवान दर्पण से बोल रहा हूँ। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे स्थिति गंभीर बनती जा रही है। साथ ही देश के कई शहरों में तो डर की स्थिति बनी हुई है। कोरोना वायरस की वजह से आए संकट और साथ ही कई प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब तो कलि का अवतार होने वाला है। कई बुजुर्ग वर कलि अवतार को लेकर अलग अलग कहानियाँ भी सुना रहे हैं और डर के इस माहौल में कल्कि अवतार की काफ़ी चर्चा की जा रही है। साथ ही लोगों के कल्कि अवतार की वजह से सब कुछ खत्म हो जाने का डर भी है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये कल्कि अवतार क्या हैं और क्यों लोग महामारी के दौर में इसकी बात कर रहे हैं और डरे हुए हैं। जानते हैं कल्कि अवतार से जुड़ी कहानियाँ और किस तरह से ये कंसेप्ट आया है। क्या है कल्कि अवतार? कहा जाता है कि विष्णु का एक अवतार होने वाला है जिसे हम कल्कि कहते हैं। ये भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसे कलयुग के देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार होगा। कलयुग के अंतिम चरण से कल्कि अवतार पृथ्वी पर आएगा। इसके बाद पाप का विनाश होगा और फिर से नए युग का निर्माण होगा। क्यों इस वक्त कर रहे हैं चर्चा? हिंदू धर्म में चार युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहा जाता है कि अभी कलयुग चल रहा है और इसके अंत में कलि का अवतार होगा। साथ ही कहा जाता है कि कलि का अवतार उस वक्त होगा जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा और अहंकार मचने लगेगा। इसके बाद कलि का अवतार होगा, यानी भगवान विष्णु आएंगे और पापियों का विनाश कर देंगे। इसके बाद कलयुग खत्म होगा और फिर से नए युग की शुरुआत होगी। सीधे शब्दों में कहें तो कलयुग के अंत के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और अभी सब कुछ खत्म होने का वक्त आ गया है। दरअसल इस बात का भी कई जगह जिक्र है कि चार युग बारी बारी से वापस आते हैं और जब कलयुग की समाप्ति होने वाली है, ये भी मानता है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, जिनमें से उन्होंने अब तक 9 अवतार ले लिया है, लेकिन कलयुग में इनका अंतिम अवतार होना बाकी है।